अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा। तो मैं सुबह उठा था, नाश्ता वगैरह किया, फैमिली के साथ नाश्ता किया, संडे के दिन छुट्टी होती है तो इस वजह से उसकी वीडियो नहीं बनाई। बकाया आज के कुछ सीन्स वगैरह होंगे, तो दोस्त आएंगे घर पे, कोई हम लोग शुगर मेला लगाएंगे तो उसी का व्लॉग आज रिकॉर्ड होगा और आपको दिखाएंगे हम साथ साथ कि आज हम क्या करते हैं और किस तरह करते हैं। कुछ दिन पहले मैं यहाँ भी बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, मैंने सोचा था कि उसको भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ऐसी गपशप हो रही थी, लेकिन वो मैं अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि उस टाइम मुझे कोई मतलब समझाने वाला नहीं था। अब से सारी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की लेकिन मैं अपलोड नहीं की मैंने। और यहाँ पे मेरा भतीजा आ गया मोबाइल लेके मेरा व्लॉग देखने के लिए। बोलो ना, क्या बोल रहे हो? अपने व्लॉग स्पेलिंग स्पेलिंग में नहीं आते, कौन सी क्लास में? 3 लाना था आप पे। लिखो AAA जी, AAA अच्छा तो मेरा भतीजा कहता है कि मैं आज इसको स्टार्ट करूंगा। चलो स्टार्ट करो, मारो आज की काफ। हम पहुंच गए जी पट्ठों की दुकान पे, पट्ठे निकाले, इसको अभी हम गाल लेके जाएंगे। ये हमारे घर के पास ही है बिल्कुल। तो जितना आप देख सकते हैं हम चारा लेके वापस आ चुके हैं, पीछे मेरा भतीजा नजर ही नहीं आ रहा। अभी हम उतारते हैं चारा, ऊपर लेके जाते हैं और फिर आपको आगे की स्टोरी और सीन दिखाते हैं। हेलो गाइस, झाड़ू देख रहे हैं और मेरा कमरा भी आप देख रहे हैं। अभी मैं सफाई करने लगा हूँ, सफाई करने के बाद मैं थोड़ा सा असाइनमेंट बनाने की कोशिश करूंगा। एक दो बंदों से असाइनमेंट मांगी थी लेकिन वो बंदे कहते हैं ना अपने सांप पाले हुए हैं, सांप हमने सांप भी पाले हैं आज तक, तो उन्होंने की हुई है। मैं ना लिख के दे सकता हूँ कि उन्होंने की हुई है असाइनमेंट, सही है। और वो भेजेंगे भी, मसला नहीं है कि नहीं भेजेंगे, वो भेजेंगे भी, लेकिन वो भेजेंगे कब? रात को 8 बजे 9 बजे, ताकि इतना काम टाइम हो गया मैं लिख ही ना सकूं असाइनमेंट कि मैं थका हूं। अगर वो मुझे कल रात को भेज देते तो मैं आज सुबह सुबह लिख लेता, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, बस सांप पाले हुए। क्वेश्चन को इतने मतलब मुश्किल नहीं है, मैं ट्राई करूंगा, मतलब मैं कह रहा था देख के कर लूँ, घंटा लगेगा, अभी मैं खुद अगर ट्राई करूंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कर लेंगे यार, कोई नहीं, अपना टाइम आएगा इंशाल्लाह। आप लोग लाओगे मेरा टाइम, आप लोग लाओगे मेरा टाइम। तो सफाई करते हैं, कमरे की हालत आप देख सकते हैं, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है। और थोड़े से ये कचरा रैपर शैपर पड़े हुए हैं, ये मेरी छोटी बहन ने खाया है, और ये उसके ग्लव्स पड़े हुए हैं, ये चीज़ें सीधे उठानी है और कमरे की सफाई करनी है, और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई की तरफ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद आपसे मिलते हैं। अभी सफाई कर रहे हैं, मेरे पास कोई ट्राईपोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं उसके ऊपर ट्राईपोर्ड पर लगा देता हूँ मोबाइल। और मेरा दिल है कि एक का यहाँ पे बल्ब, थोड़ा सा बड़ा वाला एक बल्ब है ऊपर, बल्ब वो वाला केर कूर के लेके आते हैं, उसको लगाते हैं नीचे, बड़ा बल्ब है वो, मतलब वो फुल साइज नहीं होता वो वाला बल्ब है, और क्या कहते हैं उसको लगाते हैं इधर, क्योंकि इधर हमने करनी होती है रिकॉर्ड वीडियो शूटियो। अब इधर फर्स्ट पे एक क्या कहते हैं माइक की कोशिश करेंगे, ऐसा तो मैं कह रहा हूँ साउंड ठीक ही है, इतना बुरा भी नहीं है, जब तक गुजारा जा रहा है गुजारा करो। कुछ वर्ड्स की तलफ्फुज मेरे से उस तरह इतना अच्छा नहीं होता, मेरी जुबान लड़खड़ाती है, तो इसको इग्नोर करना फुल भाई, क्योंकि आपको बिल्कुल नेचुरल ऑथेंटिक चीज दिखाएगा और ऑथेंटिक चीज आपके आगे डिलीवर करेगा, इसी वजह से। अब मुझे मेरा अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ, ये आ गया है एक, इधर देखिए आप, अभी आपने क्या कंसेप्ट बनाना है नीचे जाके, ये अभी जा रहा है कंसेप्ट ऐसे सोचा हुआ है, उसके ऊपर शूट करेगा और हम आपको दिखाएंगे साथ साथ इसके, हो नहीं होता बिहार का एक बड़ा रोल है क्या पता क्या
बता रोला ये है कि जो हम देख सकते हैं ना वो हम लोग कोई कोई चीज मिस कर लेते हैं। मैं देख लिया मैं देख लिया भाई जो तुमने देखा तुम्हारी नजर ही गलत चीजों के बदलती है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ, एक कंसेप्ट भाई ने सोचा है उसके ऊपर वीडियो शूट करते हैं और खुला एरिया होगा। ये ना स्कीमें तो बतानी है ना फिर भाई लॉकिंग बीटीएस हम भी छते बिहाइंड द सीन बंदा वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लगा दे। आदर भाई भी आ गए व्लॉग में। आदर भाई कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। स्टेडियम में आवाम भी है देखने के लिए मैच। ये कब्रिस्तान स्टेडियम है जो कि मौला जमदारा की शान है और यहाँ पे सामने वाली तरफ बैरियर टाउन है फेस 8 और इस तरफ यहाँ पे कच्ची वादी। लोग आ चुके हैं अभी कब्रिस्तान के अंदर। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिसाइड किया था उसके ऊपर वीडियो बनाने लगे हैं। अभी हम लोगों ने अपनी वीडियो शूट कर ली है, उसका मैं छोटा सा क्लिप लगा दूंगा अपने व्लॉग के अंदर। और अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ और फिर घर में हम देखते हैं एक मैंने भी की तरह कोई खिला ही दे। ये मेरे से खाएगा जो खुद इससे खाता है ये मेरे से खाएगा जो खुद इससे खाता है। आप देख लें हालात किस तरह चल रहे हैं, इसलिए कहता हूँ कुछ सपोर्ट करो भाई को, भाई इन गरीबों को कुछ खिला ही दे। चलते हैं घर और घर जाके आप। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग वापस आ गए हैं दोबारा से ब्लॉग के एंड अदर पार्ट के अंदर। तो सीन इस तरह हुआ है कि हमारे पास एक मोबाइल पड़ा था। मोबाइल है ये कौन सा मोबाइल है? ये वाला मोबाइल था। काफ़ी अर्से से मेरा पुराना मोबाइल था, काफ़ी अर्से से घर में पड़ा हुआ था। इसके अंदर छोटा सा मसला आ गया था, मैं एक दो जगह लेकर गया, उन्होंने बोला है इनका पैनल फर्क है। सही है, कुछ 8,000 कोई 6,000 का खर्चा बता रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई इतना खर्चा भाई आई कॉन्ट अफोर्ड इट। तो पिछले दिनों मैंने इसको ऑन किया तो ये ऑन हो गया, फिर ऑफ़ किया तो फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन नहीं हुआ। तो मैंने कहा ना इसको इतना बड़ा मसला तो नहीं है इसके अंदर। मैं गया एक शॉप के ऊपर तो हल्का फुल्का खर्चा था करवाया और सेट हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं इस मोबाइल को सेल करने के लिए, देखते हैं कितने का निकलता है। अगर तो सही निकल गया तो फिर मैं और ये भाई जाएंगे खाने पीने जाएंगे और आपको हम साथ लेके जाएंगे। अभी हम मिलते हैं जाके आपको सीधा शॉप के।